नमस्कार जी, मेरे किचन में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम एक नई रेसिपी सीखते हैं। इसे कहते हैं सीरा। देखने में आपको ये हलवे की तरह लग रहा है, जैसे हलवा होता है, लेकिन ये हलवा नहीं होता है। हिमाचल की ये स्पेशल डिश है, वहां पर ये बहुत फेमस है। और आफ्टर हम लंच या डिनर जो है वो इसे लेते हैं, या शाम को स्नैक्स के तौर पर भी इसे लेते हैं। और ये रेसिपी इतनी हेल्दी होती है कि गर्मियों में ज्यादा इसे खाया जाता है, क्योंकि इसकी तासीर जो होती है वो बिल्कुल ठंडी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसे कहते हैं सीरा। मार्केट में ये इजीली अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये किस तरह का होता है। व्हाइट कलर का होता है और बीच में ये मोटा मोटा भी है, ठीक है। तो आपने एक कटोरी जो है वो सीरा ले लेनी है। तो ये देखिए, एक कटोरी मैंने सीरा ले लिया है। अब तो जितना आपने सीरा लेना है उतनी ही आपने चीनी लेनी है। अगर आप शुगर थोड़ी कम लेना चाहते हैं तो कम कर सकते हैं, ठीक है। अपने टेस्ट के अनुसार इसे ले सकते हैं, लेकिन जितना सीरा है उतनी ही आप शुगर लें। अब हमने एक बड़ा बाउल ले लिया है, उसमें सीरा को डाल देंगे और साथ में शुगर भी डाल देंगे। अब इसमें पानी डालना है हमने, लेकिन पानी हमने उतना ही डालना है जितना ये डिप हो जाए, उससे ज़्यादा पानी नहीं हम डालेंगे। अब इसे 5-10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि पानी पूरा इसमें अब्जॉर्ब हो जाए। आप देख सकते हैं कि पानी की क्वांटिटी मैंने उतनी ही रखी है जितना सीरे और चीनी का लेवल है। 15 मिनट हो गए हैं। अब इसे हमने अच्छे से जो है वो मिक्स कर लिया। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल स्मूथली डो तैयार हो गया है और इसमें कोई भी लम्स नहीं है, ठीक है। तो सेम ऐसे ही आपने करना है। कढ़ाई में हमने घी डाल दिया है, जितना सीरा लिया था उसके अकॉर्डिंग ही आपने घी डालना है, क्योंकि इसमें घी जो है वो खुला डलता है। देसी घी का मैंने यूज़ किया है, आप डालडा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन देसी घी में इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। घी में अब आपने इसे जो है वो डाल देना है और गैस जो है वो मध्यम कर देनी है, फुल आंच पर नहीं, ठीक है। थोड़ी सी कम आंच पर जो है वो धीरे धीरे इसको जो है वो मिलाना है और ऐसे ही आपने इसको धीमी आंच में ही पकाना है। अगर आप फुल आंच करेंगे ये नीचे बिल्कुल लग जाएगा और आपका अच्छे से जो है वो नहीं बनेगा। हिलाते हिलाते आपका कुछ ऐसे बनना शुरू हो जाएगा। कोशिश करनी है कि नीचे जो है वो बिल्कुल भी ना लगे और इसे हिलाते रहेंगे। और आप देख सकते हैं कि ये बनने ही वाला है, क्योंकि इसके जो है वो पीसेस अलग अलग हो गए हैं और दानेदार बहुत अच्छे से ये खिल गया है। जब ये कढ़ाई पर चिपकना बंद हो जाए इट मीन्स कि अब ये पूरी तरह जो है वो रेडी हो गया है, ठीक है। तो कोशिश करनी है आपने इसको मध्यम ही आंच पर पकाना है, क्योंकि अगर आप फुल आंच पर पकाएंगे तो ये पूरी तरह नीचे चिपक जाएगा और छूटेगा भी नहीं, ठीक है। तो हमारा सीरा जो है वो रेडी हो गया है, क्योंकि ये बिल्कुल खिला खिला है, ठीक है। तो गैस अब हम बंद कर देते हैं और इसे प्लेटिंग करते हैं। तो हमारी हिमाचली स्वीट डिश रेडी हो गई है। आप भी इसे अपने घर में जरूर ट्राई करें।